Children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter. Learn more about paint. In this chapter, you will learn about tools, pencil tool, fill with color tool, text tool, eraser tool, color picker tool, magnifier tool, using shapes, draw with brush. MS Paint provides us with many tools and shapes with the help of which we can create drawings and shapes. Let us begin with tools. एमएस पेंट के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था और प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था है you ना know, तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ब्यूटिफुल ड्राॅइंग्स शेप्स क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, तो चलिए हम टूल्स के बारे में पढ़ते हैं टूल्स पेंट कंटेन्स वेरियस टूल्स विच आर यूजफुल टू क्रिएट ड्राॅइंग्स एंड कलर दें टू वर्क विद टूल्स यू नीड टू सिलेक्ट गो टू होम टाप इन टूल्स ग्रूप यू कैन सी वेरियस अवेलेबल टूल्स सिलेक्ट एनी टूल विच यू वॉन्ट टू यूज बैक लिकिंग इट्स वंस Now your tool is selected and you can work with it. Select pencil tool from the tools group. Click on color one if not selected, and choose any color from the colors group. You can choose the size of the pencil by clicking on size drop-down arrow from the list. Select any size. Draw anything with the help of mouse. Look at the figure. Select the pencil size 3px. Select the colors brown, red, and green to draw the flower. ओके okay, चलिए अब आपको क्या करना है टूल्स में सबसे पहले आप क्या करेंगे सिलेक्ट करना होता है इसको हम गए होम टैप पे फिर यहाँ पे आपके पास देखिए बहुत सारे टूल्स नजर आ रहे हैं आपको ठीक है और कोई भी टूल हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार इसको क्लिक करेंगे वंस ओनली अब आपका टूल सेलेक्ट हो गया है नाउ अब हम इसमें काम कर सकते हैं ओके तो हमने पेंसिल टूल को सेलेक्ट किया तो देखिए आप हम क्लिक करेंगे कलर वन और कोई भी कलर को हम ये जो कलर ग्रुप है ना इनमें से चूज कर सकते हैं राइट फिर हम पेंसिल का साइज चूज करेंगे इसमें देखिए लिस्ट दी गई है कोई भी साइज़ हम चूज कर सकते हैं ओके फिर हम माउस की हेल्प से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ओके अब जैसे हमने पेंसिल साइज किया थ्री पी एक्स ओके ये सिलेक्ट किया फिर हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राउन रेड ग्रीन ओके okay. और अब हम फ्लावर को ड्रॉ करेंगे इस तरह से ओके okay. ये रेड कलर से इसकी पेटल्स बनेंगे ओके okay. और ये जो इसकी लाइन है ब्राउन से बनेगी और ये जो ग्रीन है इससे आपकी लीफ बनेगी ओके फिल विथ कलर टूल दिस टूल हेल्प्स टू फिल द ऑब्जेक्ट और ड्राइंग विथ कलर्स इन द कलर्स ग्रुप यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ कलर्स कलर वन इट इज अ फोर ग्राउंड कलर टू फिल द ऑब्जेक्ट विद कलर वन यूज लेफ्ट माउस बटन कलर टू इट इज द बैकग्राउंड कलर टू फिल द ऑब्जेक्ट विथ कलर टू यूज राइट माउस बटन अच्छा देखिए फिल विथ कलर से हम किसी भी ड्राॅइंग में आपका कलर फिल कर सकते हैं okay? ओके तो इसमें आप क्या ना दो टाइप्स ऑफ कलर्स हैं जैसे कलर वन है one, ये फोर ग्राउंड कलर होता है ये मतलब ऑब्जेक्ट को फिल करेगा विथ कलर वन ये लेफ्ट माउस बटन की हेल्प से और कलर टू बैकग्राउंड का कलर होता है तो इसके लिए हम यूज करेंगे राइट माउस बटन ओके Chale, steps what are the steps to fill the color the steps are as follows draw a circle in a drawing area click on fill with color tool to select it now click on the color tool and select the color from the colors group now move the pointer inside the circle the pointer changes its shape to selected tool shape click the right mouse button and the circle will get filled with the selected background color if you click on the left mouse button the object will filled up with foreground color okay chaliye ab hum kya karenge sabse pehle ek circle ko draw kar lenge drawing area pe okay ab fill with color tool pe click karna hai फिर हम color tool पे click करेंगे और color को select करेंगे अपनी choice का okay? अब pointer को हम मूव करेंगे कलर के अंदर सर्कल के अंदर okay? अब देखिए पॉइंटर ने इसकी शेप चेंज कर लिया अब राइट माउस बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए आपका सर्कल फिल हो गया जो हमने कलर्स चूज किया था है ना और अगर हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट किससे फिल हो जाएगा फोरग्राउंड कलर से ओके टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल हेल्प आज टू एड टेक्स्ट इन अ ड्रॉइंग टू यूज दिस टूल द स्टेप्स आर एज क्लिक ऑन टेक्स्ट टूल move the pointer to the drawing area the pointer changes its shape to plus symbol click and drag the mouse to the area where you want to write text a dotted rectangular text box appears with a blinking cursor type the text you want to add अच्छा आपको ना टेक्स्ट ऐड करना है अपने ड्राइंग में तो क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपने क्लिक किया टेक्स्ट टू है ना फिर पॉइंटर को मूव करेंगे ड्राइंग एरिया में अब ये पॉइंटर जो है प्लस सिंबल में आ गया फिर क्लिक करेंगे माउस को ड्रैग करेंगे जहां पे भी हमको टेक्स्ट टाइप करना है ओके ओ अब ये देखिए टॉटेड ट्रेक्ट, रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स आपका अपीयर हो रहा है उसमें ब्लिंकिंग कर्सर भी है ना अब यहां से हम टेक्स्ट टाइप करेंगे जो भी हम ऐड करना चाहते हैं इरेजर टूल इरेजर टूल वर्क्स लाइक अ नॉर्मल इरेजर इट इज यूज टू इरेजर द ड्रॉइंग क्लिक ऑन द इरेजर टूल the pointer changes its shape to small square now click the left mouse button hold it and move the mouse over the drawing to erase it ab aapko erase karna hai to eraser tool ka help hum lete hain dekhi eraser tool pe hum click karenge fir point dekhi aapka jo pointer hai wo change ho gaya na chote se square mein फिर हम left mouse button को click करेंगे hold करेंगे और देखिए mouse को हम move करते रहेंगे जो जो हमें erase करना है okay? A ho gaya. Color picker tool. This tool helps to pick the color from an object and use it to fill another object. Select the color picker tool from the tools group. Pick the red color from the joker by clicking it once. The pointer changes to fill with color too. Now move the pointer to the face of the joker and click on it to fill the picked color in it. अच्छा ये जो आपका कलर पिकर टूल है ना इससे क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट से कलर को पिक करते हैं और फिर उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करते हैं ओके कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम कलर पिकर टूल को सिलेक्ट करेंगे चूज ग्रुप से अब ये देखिए आपके पास ये जो जोकर है इसका रेड कलर हम पिक करेंगे एक बार इसको क्लिक किया अब जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया देखिए इसमें फिल विथ कलर टूल अब पॉइंटर को मूव करेंगे जोकर के फेस पे क्लिक करेंगे और ये कलर में फिल हो जाएगा ओके मैग्नीफायर टूल मैग्नीफायर टूल हेल्प्स टू मैग्नीफाई द पार्ट ऑफ एन इमेज सिलेक्ट द मैग्नीफायर टूल फ्रॉम द द टूल्स ग्रुप पॉइंटर चेंजेस टू विद मैग्निफा रेक्टेंगल क्लिक ऑन द एरिया यू टू मैग्नीफाई द एरिया विल बी जूम्ड अच्छा देखिए अगर हमें किसी इमेज के किसी पार्ट को मैग्नीफाई करना है तो उसके लिए मैग्नीफाई टूल का यूज करेंगे आप टूल्स ग्रुप में जाएंगे मैग्नीफाई टूल को सिलेक्ट किया आप देखिए आपका जो पॉइंटर है रेक्टेंगल में चेंज हो गया ओके okay. आप जिस भी एरिया को आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर देंगे ओके okay. और देखिए ये एरिया आपका क्या हो जाएगा जूम हो गया ओके लर्न मोर यू कैन ऑल्सो जूम इन और आउट बाय मूविंग द स्लाइडर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो देखिए जो स्लाइडर है ना आपकी जो विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर में उनकी हेल्प से भी उसको अगर आप जब मूव कराएंगे तो उसकी हेल्प से भी जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं ओके यूजिंग शेप्स क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन इन शेप्स ग्रुप यू विल सी अ सेट ऑफ मेनी शेप्स यूजिंग दीज शेप्स यू कैन क्रिएट वेरियस ड्राइंग लेट इज डन हाउ टू यूज शेप्स एंड क्रिएट देखिए ये जो आपका शेप्स ऑप्शन है ना शेप्स ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास कितने सारे शेप्स नजर आ रहे हैं और इनकी हेल्प से हम ड्रॉइंग को बना सकते हैं ओके okay? तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे यूजिंग रेक्टेंगल क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन इन शेप्स ग्रुप सिलेक्ट रेक्टेंगल शेप चूज कलर वन इज एनी कलर ऑफ योर चॉइस नाउ मूव द पॉइंटर ऑन द ड्रॉइंग एरिया एंड ड्रॉ द शेप आप क्या करेंगे शेप्स ऑप्शन पे जाएंगे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे कलर वन चूज करेंगे अपनी चॉइस का अब आपको पॉइंटर को मूव करेंगे और शेप को ड्रॉ करेंगे ओके यूजिंग कर्व सिलेक्ट द कर्व शेप फ्रॉम द शेप्स ऑप्शन इन शेप्स ग्रुप ड्रॉ द लाइन यूजिंग बाय क्लिक एंड ड्रैग द माउस बटन नाउ क्लिक इन द मिडल ऑफ द लाइन होल्ड इट एंड मूव द माउस पॉइंटर टू क्रिएट अ कर्व देखिए आपको क्या करना है कर्व शेप को सिलेक्ट करना है शेप्स ऑप्शन में से ओके okay, ये इसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे क्लिक करेंगे एंड देन माउस बटन को ड्रैग करेंगे फिर हम लाइन के मिडल में क्लिक करेंगे होल्ड करेंगे और माउस पॉइंटर को मूव करेंगे जैसे कि आपका ये जो कर्व है ये आपका बन जाएगा ओके यूजिंग ट्राइंगल सेलेक्ट द ट्राइंगल शेप फ्रॉम द शेप्स ऑप्शन इन शेप्स ग्रुप ड्रॉ द ट्राइंगर शेप्स इसी तरह से शेप्स ऑप्शन में आप ट्राएंगुलर शेप को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमारी ट्राइंगर शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं ओके ड्रॉ विद ब्रश इन पेंट प्रोग्राम यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस लाइक एयर ब्रश कैलीग्राफी ब्रश ऑयल ब्रश एक्सेट्रा सिलेक्ट द ब्रश एंड क्रिएट द ड्रॉइंग्स देखिए पेंट प्रोग्राम में ना आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस का यूज करते हुए आपके पास जैसे एयर ब्रश है कैलीग्राफी ब्रश है ऑयल ब्रश भी है ओके okay, तो चलिए कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ब्रश कैलीग्राफी ब्रश वन दिस इज योर कैलीग्राफी ब्रश टू ए ब्रश एंड दिस इज योर ऑयल ब्रश क्रेन दिस इज मार्कर नेचुरल पेंसिल बिल्कुल पतली सी लाइन है ना एंड वाटर कलर ब्रश ओके इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं समरी पॉइंट्स पेंसिल टूल इज यूज टू क्रिएट फ्री हैंड ड्रॉइंग्स Fill with color tool is used to fill the object or drawing with colors. Text tool is used to add text in a drawing. Color picker tool helps to pick the color from an object and use it to fill another object. Magnify tool is used to magnify a part of a drawing. Paint helps us to draw various shapes like circle, line, rectangle, triangle, curve, etc. Various types of brushes help us to make. Different and beautiful. Children, I hope आपको ये chapter interesting लगा होगा right? और इस तरह हमने बहुत सारे tools सीखे कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं ओके अब इस chapter की प्रैक्टिस खुद से करेंगे आप